नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य गिरीश बारोलिया, सभी को प्रणाम। मित्रों, शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि किन्नरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, उनकी बद्दुआ कभी भी हमको नहीं लेना चाहिए। यदि किन्नर आपको कहीं भी मिल जाए तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप उसे दान जरूर दें, उसका कभी भी अपमान ना करें। उसके अपमान करने से आपकी जन्म कुंडली का बुध ग्रह पीड़ित होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली का बुध ग्रह पीड़ित है, बारहवें भाव में है या अन्य किसी ग्रह से पीड़ित है, तो फिर निश्चित रूप से आपको किन्नरों के माध्यम से हम उसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे या बच्ची की शादी में बाधा उत्पन्न हो रही है या किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो किन्नर के आशीर्वाद से हम उसे दूर कर सकते हैं। यदि आपके लिए धन का अभाव महसूस हो रहा है, तो भी किन्नर के आशीष से हम मालामाल हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है या किसी कारण आपका बच्चा परेशान है या आपकी बच्ची परेशान है, तो आपको करना क्या है। बुधवार के दिन आप किसी किन्नर को बुलाएं, या भाग्यवश बुधवार के दिन किन्नर यदि आपके घर में आ जाता है तो उसे श्रृंगार का पूरा सामान, जैसे हरी साड़ी, ब्लाउज़, यह ध्यान रखें कि साड़ी में का जो ब्लाउज़ है वो अलग से हो, पेटीकोट, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, सैंडल, मतलब जितनी भी श्रृंगार की सामान होता वो सब हरा होना चाहिए। तो उस हरी सामग्री को इस प्रकार से जब वो हाथ करता है उस पर दे रख करके और तुरंत उसके चरण स्पर्श उस बच्चे या बच्ची के द्वारा करा दिया जाए। यदि आप ऐसा कराते हैं और वो यदि आशीष दे देता है, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और उसकी शादी के योग भी तुरंत बनेंगे। यदि आप आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं और बुधवार के दिन यदि कोई किन्नर आपको मिल जाए, तो उसको कभी खाली हाथ ना लौटाएं। उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार 21, 11, 51, 101, 501, जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना रुपया उसको दान करें, और बदले में 1 रुपये का सिक्का यदि वो देता है तो उससे मांग लें। तो वो उसको आशीष स्वरूप जब आपको देगा, तो उस सिक्के को आप एक हरे कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में या तिजोरी में रख दें। आपके पर्स, आपका पर्स व आपकी तिजोरी फिर कभी खाली नहीं रहेगी। तो मित्रों, किन्नर का कभी भी अपमान न करें, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि किन्नर नपुंसक होता है और आपकी कुंडली का बुध ग्रह भी नपुंसक ग्रह में आता है, इसलिए इन दोनों का कनेक्शन है। बुध ग्रह का प्रभाव किन्नर के ऊपर रहता है, इसलिए यदि आपका बुध ग्रह कहीं से भी पीड़ित है तो आपको किन्नर को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। और मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों के यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा और आप धन से संपन्न रहेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।